जय हिंद। आज हम लोग भूगोल के टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स के इक्वेटर, पोल्स और एक्सिस को देखेंगे। देखिए, इसको न केवल जानना जरूरी है बल्कि इसको समझना भी अत्यंत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा जो पृथ्वी है वह 3D शेप में है। वो जो है वो कैसा दिखाई देता है, ऐसे। ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का बिल्कुल सही प्रतिरूप है, उसका एक मॉडल है। आपको पता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोल है, लगभग गोल, लेकिन इसके शेप को कहते हैं जियोइड है। लेकिन जियोइड क्या होता है, जियोइड स्वयं में एक कल्पना है। कल्पना मतलब यह है कि पृथ्वी कहीं उभरी हुई है, कहीं चपटी है। तो उभरी और चपटी दोनों को मिला करके एवरेज एक लाइन खींच दिया जाता है, उसी लाइन को, इमेजिनरी लाइन को जियोइड बोलते हैं। तो पृथ्वी जियोइड शेप में है। पृथ्वी में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। आप देख रहे हैं ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। तो पृथ्वी 3D शेप में है। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अपने ग्रेविटी के कारण, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण एक लटकी हुई अवस्था में है, इस ब्रह्मांड में लटकी हुई है। और अपने अक्ष पे, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रोटेट भी करती रहती है, पश्चिम से पूरब। और इसका अक्ष एकदम सीधा नहीं है बल्कि उसका अक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जैसे हम लोगों के शरीर में, आपको पता है कि हम लोगों का शरीर, अगर ये रीढ़ नहीं होता है, रीढ़ पीछे वाला, इसको अगर अक्ष समझिए हमारे मानव शरीर में, तो इसके बिना हम खड़ा नहीं हो सकते थे। इसी तरह से पृथ्वी के बारे में समझ लीजिए कि ये अक्ष पर ही टिकी हुई है और पश्चिम से पूरब रोटेट करती रहती है 23.5 डिग्री झुकाव होने के बावजूद भी। तो देखिए, इसी से दिन रात भी होते हैं। अब ये अक्ष क्या होता है, तो आपको पता है कि अक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी जिस अक्ष से रोटेट करती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब इस ज्योग्राफिकल एक्सिस को पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से खींचा जाता है। आप देखेंगे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, बाहर से नहीं है, पृथ्वी के अंदर से है। आप यहां देख रहे हैं ना, ये एकदम अंदर से है, बाहर से नहीं खींच रहे हैं, अंदर है। तो अंदर में वह काल्पनिक रेखा होती है, वह कल्पना होती है जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूरब रोटेट करती है। और इसी एक्सिस को जिस प्लेन के द्वारा हम दो बराबर भागों में इसको बांट दे, यानी कि ठीक इस पृथ्वी को के बीचों बीच जो एक्सिस है इसको दो बराबर भागों में काट दे, तिरछा नहीं, एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो उसको कहेंगे इक्वेटर। उसका नाम होगा ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अगर हम इस एक्सिस को ज्योग्राफिकल एक्सिस नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो आप इसको ठीक बीचों बीच काटने वाली एक काल्पनिक रेखा को ज्योग्राफिकल इक्वेटर कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल इक्वेटर ये होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जो 90 डिग्री के कोण बनाते पृथ्वी के एक्सिस को दो बराबर भागों में काट दिया। तो आप ये समझ गए, ज्योग्राफिकल एक्सिस समझ गए, ज्योग्राफिकल इक्वेटर को समझ गए। अब आप ज्योग्राफिकल पोल को समझिए। देखिए, इसी एक्सिस के नॉर्दर्न एंड पॉइंट को कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, हमने शॉर्ट में लिख दिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और ठीक इसके एंटीपोडल एरिया में, यानी ठीक इसके विपरीत एरिया में जो एक्सिस के सदर्न एंड पॉइंट होंगे उसको कहेंगे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो आप ये समझ गए, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब इसी एक्सिस के सारे पृथ्वी रोटेट करती रहती है और इसी को हम लोग जनरल भाषा में समझते हैं। जो लोग कहते हैं ना ये पृथ्वी अक्ष और ये भूमध्य रेखा, वो इसी को समझते हैं। लेकिन और भी कई प्रकार के भूमध्य रेखाएं पृथ्वी में होती है, उसकी भी कल्पना की गई है। इमेजिनरी लाइन होता है, ये कोई वास्तविक नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। एक्सिस तो पृथ्वी के बीचों बीच है लेकिन इक्वेटर पृथ्वी के ऊपर से खींचा गया है बाहें भागों में। अगर आप सोचिए कि अगर अक्षांश रेखा की कल्पना नहीं किया जाता तो हम किसी जगह का क्लाइमेट कैसे निर्धारित करते हैं? अगर देशांतर रेखा की कल्पना नहीं होती तो हम किसी जगह का टाइम को और तिथि को कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ अगर हम वो ग्रिड की कल्पना नहीं करते, अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहते हैं, अगर ये ग्रिड नहीं होता है तो किसी जगह का लोकेशन कैसे पता लगाते? हमें पता ही नहीं चलता वो कहां अवस्थित है, किस जगह पे है। जो ड्रोन है या GPS सिस्टम सब है, ये सब इसी ग्रिड पे ही तो काम करता है। अगर ये नहीं होता तो कुछ भी संभव नहीं होता, हम बहुत पिछड़े होते। तो ये मानव का, समझिए, ये उपलब्धि है कि जो इमेजिनेशन करता है और इमेजिनेशन करके वह किसी भी डिफिकल्ट चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस समझ लिया, ज्योग्राफिकल इक्वेटर समझ लिया, ज्योग्राफिकल पोल्स नॉर्थ और साउथ दोनों को आपने समझ लिया है।
तो अब आप समझिए मैग्नेटिक चुंबकीय इक्वेटर क्या होता है और चुंबकीय एक्सिस क्या होता है। देखिए पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो रेखा खींची गई है एकदम बीचों बीच में जिस पर पृथ्वी रोटेट करती है उसको तो आपने अभी देख लिया ज्योग्राफिकल एक्सिस, लेकिन इसके पश्चिम में आप देखेंगे इससे हट करके यहाँ पे पृथ्वी का बहुत ज़्यादा चुंबकत्व है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म पाया जाता है। अब इसी मैग्नेटिज्म के सहारे एक रेखा है जो ठीक पृथ्वी के बीचों बीच होके नहीं गुजरती है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसका, एकदम सेंटर से होके नहीं गुजरती है, ये सेंटर से थोड़ा सा अलग होके गुजरती है। और आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये राइट की तरफ जो है ये अपने दाहिने तरफ मुड़ भी गई है, ऐसे मुड़ गई है और यहाँ पर आकर के इसका इंड हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको जो पृथ्वी के बीचों बीच जो हम ये रेखा खींचे हैं जहाँ से मैग्नेटिज्म पैदा होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। और इस चुंबकीय अक्ष को दो बराबर भागों में काटने वाली काल्पनिक रेखा को मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर जो है ना एकदम दो बराबर भागों में काटना चाहिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी दो शर्त है उसका, एक तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, दो बराबर भागों में कटना चाहिए, तो इसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ये देखिए इसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर। तो अब आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये आप समझ गए। अब आप देखिए मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्थ के इंड पॉइंट को कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म पाया जाता है, साथ ही साथ साउथ में भी है, यहाँ भी इसको कहेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, स्वाभाविक बात है एक नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होगा, दोनों एंटीपोडल नहीं है, ये बात को जान लीजिए, ये एक्सिस की तरह ज्योग्राफिकल एक्सिस की तरह जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल जो एंटीपोडल एक दूसरे का ऐसा ये नहीं है। और ये जो जो एक्सिस है इसका स्थान भी बदलते रहता है, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसका स्थान बदल जाता है। ये नॉर्थ पोल जो है कहा जाता है कि यह लगातार जो है पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट हो रही है, साल में 50 से 60 किलोमीटर शिफ्ट हो जाती है। पहले यह प्रिंस ऑफ वेल्स जो कनाडा वाला एरिया था 1947 के आसपास वहाँ से गुजरती थी, आजकल यह शिफ्ट हो गई साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो गई है, ऐसा रशियन वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं वो दावा करते हैं। और इसके पीछे वो बता रहे हैं कि इसके पीछे का कारण है प्लेट का खिसक जाना, यानी पृथ्वी के ऊपर जो आप देखते हैं ना कंटिनेंट और ओशियन ये किस पे टिके हुए हैं, ये एक्चुअली प्लेट पे है और प्लेट एक जगह स्थिर नहीं रहता है बल्कि उसमें संचलन होता है, मूवमेंट होते रहता है, और वो मूवमेंट के कारण जो है पृथ्वी का जो ग्रेविटी है और पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म वाला जो 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 पार्ट है मैग्नेटी वो बदलते रहता है, उसका स्थान बदलते रहता है। आपको पता है कि एक कंपास जो होता है जो नौ संचालन करते हैं जो जो यात्री होते हैं जो नाविक होते हैं वो अपने पास एक कंपास रखते हैं, वो हमेशा नॉर्थ दिशा को दिखाने के लिए रखता है। अब आपको पता है कि वह कौन सी नॉर्थ दिशा दिखा रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को दिखा रहा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, एक्चुअली वह ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को नहीं दिखा रहा है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दिखाता है, इस चीज़ को आप ज्ञात करके रखिएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये एकदम सीधा नहीं दिखा रहा है, वो देख रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा, यानी कि अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे अगर खड़ा है तो वहां से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अलग होगा, वहां पे नहीं होगा, वो अलग होगा। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति कंपास को ले जाकर के एकदम इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे खड़ा हो जाए तो वो कौन सी दिशा दिखाने लगेगा, फिर वो सीधे खड़ा हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर वो दिखाने लगेगा, क्योंकि उस समय जब ध्रुव पे कोई व्यक्ति कंपास लेकर खड़ा है तो पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक वाला जो पार्ट होगा मैग्नेटिज्म वो पृथ्वी के सेंटर में पाया जाएगा, तो ये नीचे की ओर दिखाएगा, एक्सिस की तरफ इसको दिखाने लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप। तो पृथ्वी का जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को डिप भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक जो सुई होती है निडल होता है वो सीधे लंबवत खड़ी हो जाती है। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसका और भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो मैग्नेटिक इक्वेटर से ही लॉन्च किया जाता है, खास करके पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उसको, जैसे भारत में भी कई सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बना हुआ है, जैसे भारत में आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि पहले एक थुम्बा रहा करता था केरल में, यहाँ पे थुम्बा नाम का जगह था वहाँ से लॉन्च केंद्र होता था लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश में है ये श्रीहरिकोटा,
ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, द्वीप है यहाँ पे, और वहाँ से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को। तो ये देख रहे हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पे बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उड़ीसा में एक चांदीपुर है, चांदीपुर लॉन्च स्टेशन, वो उनका नाम APJ अब्दुल कलाम के आधार पर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहीं से मैग्नेटिक इक्वेटर गुजरता है ऐसे, और इसी मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये लॉन्च किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे दुनिया में और है कौरू प्रक्षेपण केंद्र है साउथ अमेरिका में, यहाँ पे देखिएगा, तो इसको भी इसी इक्वेटर पे रखा गया है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, न कि ज्योग्राफिकल इक्वेटर पे। तो इस चीज़ को आप ज्ञात करके रखिएगा, अगर उसको पोल के तरफ ले जा करके सेटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो वहाँ तो मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, उसको उसके लॉन्च को ही बिगाड़ देगा, वहाँ पर हादसा होने की खतरा रहता है। साथ ही साथ अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि कैसे उसको निर्धारित किया जाएगा। तो जियोमैग्नेटिज्म में इसको हम लोग देखेंगे ज़्यादा डिटेल में कि किस तरह से ये बदलते रहता है और कैसे हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा चट्टान कितना पुराना है, तो हम उससे भी निर्धारित कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब आप आगे समझिए, देखिए जियोमैग्नेटिक भूचुंबकीय इक्वेटर क्या होता है। अब देखिए ये भी जियोमैग्नेटिक जो होता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में यहाँ पे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, उसी तरह से जियोमैग्नेटिक साउथ पोल ये इसके बीच में होगा। तो देखने का कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इसके बीच से एक और एक्सिस है, उसका नाम है जियोमैग्नेटिक एक्सिस। इसका नाम क्या होगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, इसका नाम है जियो मैग्नेटिक एक्सिस, इसको जियो मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब इस जियो मैग्नेटिक एक्सिस को दो बराबर भागों में काटने वाला जो रेखा होगा उसको कहेंगे जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, या फिर इसको कहेंगे 90 डिग्री के कोण बनाते हुए इसको बीचों बीच काट दे इस एक्सिस को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, यहां से होगा ये, इसको कहेंगे जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, इसका नाम रखेंगे जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको हिंदी में कहेंगे भूचुंबकीय भूमध्य रेखा। अब देखिए अपने एक्सिस को समझ लिया, इक्वेटर को समझ लिया, अब पोल को समझिए। देखिए जो नदर्न इंड पॉइंट होगा जियो मैग्नेटिक एक्सिस का, उसको कहेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ साउथ में हो जाएगा, स्वाभाविक बात है, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, इसके एंटीपोडल एरिया में होगा। देखिए जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल एंटीपोडल एरिया में है, और पृथ्वी के केंद्र से इसका एक्सिस गुजरेगा, किसका, जियो मैग्नेटिक एक्सिस गुजरेगा। जियो मैग्नेटिक एक्सिस का विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन इसका एक महत्व तो यह है कि जो ग्रेविटी या फिर आप ये जो कहते हैं ना जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो निकलता है पृथ्वी से, वो एक्चुअली बनता तो है मैग्नेटिक एक्सिस पे, लेकिन निकलता है जियो मैग्नेटिक एक्सिस से होके। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए बनता जरूर है मैग्नेटिक एक्सिस पे, एक्चुअली पृथ्वी रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसके कारण अंदर के जो स्टॉर्म होते हैं, जो मैग्नेटिज्म होता है, वो स्टॉर्म निकलते वक्त जो है वह इस एक्सिस का सहारा लेके निकलती है, जियो मैग्नेटिक एक्सिस का सहारा लेके, और ये निकल करके ये ब्रह्मांड में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, आकाश में चली जाती है, आप कहिए कि वायुमंडल में चली जाती है पृथ्वी के, वो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से सीधे वायुमंडल में चली जाती है, इधर साउथ पोल से भी निकल करके वायुमंडल में चली जाती है, ऊपर चले जाती है, नीचे मत समझिएगा, यहाँ तो ऊपर समझ ही रहे हैं लेकिन इसको आप नीचे नहीं समझिएगा। पृथ्वी आकाश में एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर लटका हुआ है, और आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जा करके वह कॉस्मिक रेज के साथ उसका क्वालिजन होता है, वहाँ पे टकराहट होता है और वहाँ पे ज्योति पैदा होता है, काफ़ी चमत्कृत कर देता है वायुमंडल को, तो वहाँ पे उसको जो नॉर्थ पोल के तरफ जा करके ज्योति पुंज बनता है वहाँ पे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो साउथ पोल से निकल करके यानी कि साउथ जियोमैग्नेटिक पोल से निकल करके जो स्टॉर्म निकल करके ऊपर जाती है वायुमंडल में वहाँ पे जाके क्वालिजन होता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रा का मतलब ही होता है दक्षिण, तो ये ऑस्ट्रालिस और ये बोरियालिस होता है, तो इसको आप समझ गए। लेकिन कितना दूर तक जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ब्रह्मांड में चला जाएगा, पार कर जाएगा वायुमंडल को, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली यह 80 किलोमीटर से लेके
और 280 किलोमीटर के बीच में जा करके यह कांड करता है, यानी कि वो जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस जो बनता है वो इसी के बीच में रहता है, और इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है 150 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया में, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी बीच में होता है 150 किलोमीटर वाला में। तो आपने इस चीज़ को समझा होगा, साथ ही साथ आप ये समझिए कि जब ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे भी लौटता है। नीचे लौटता है कहाँ, तो यहाँ से पोल से ऊपर गया और वो बाहर आकर के फिर से वह इक्वेटोरियल एरिया में आकर के फिर से उतर करके पृथ्वी के अंदर में समा जाता है। पृथ्वी के अंदर में यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से आकर के पृथ्वी के इक्वेटर वाला एरिया में आकर के समा गया। यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, आ गया। तो ऐसा ये होते रहता है ना, दोनों तरफ से गया और बीच में आकर के फिर से आ गया। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आप जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, जियो मैग्नेटिक एक्सिस और जियो मैग्नेटिक पोल एक्स को आप समझ गए। अब आप सेलेस्टियल को समझिए, यानी आकाशीय। देखिए कहने का मतलब ये आकाशीय, पृथ्वी से विशेष लेना देना नहीं है, ये आकाश में बनता है। एक्चुअली आकाशीय पिंड जो होते हैं ना वह भी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कॉस्मिक रेस आते हैं जो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी इसको अध्ययन कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी भी थोड़ा उसको पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, है ना, बहुत सारे वो कॉन्स्टेलेशन होते हैं, ये सब तो प्रभावित तो करेगा ही। देखिए एक्चुअली आप ये मान के चलिए एक कल्पना है, कल्पना तो है ही, ये तो सारे एक्सिस और ये जो आप देखें ये भी कल्पना ही है, तो ये भी एक कल्पना है। एक्चुअली ये मान के चला जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जाल बना हुआ है और पृथ्वी खोखला है, ये मान के चलिए कि खोखला है, और ठीक पृथ्वी के बीच में एक बहुत हाई वोल्टेज का बॉल को जलाइए, और वो जो बॉल है जो अंदर में जलेगा और ऊपर से अक्षांश और देशांतर का जाल बना हुआ है, तो ये स्वाभाविक बात है कि उसका परछाई बहुत दूर तक जाएगा, है ना, अक्षांश और देशांतर का परछाई दूर तक जाएगा। तो उसी से जो बनेगा उसी को बोलते हैं सेलेस्टियल, जो भी बनेगा। मान लेते हैं कि इस पोल का बिंदु से ऊपर चला जाएगा, ये बहुत ही अनंत आकाश में जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी बॉडी से तो टकराएगा, तो वो टकराएगा किससे, पोलर स्टार से। ध्रुव तारा होता है ठीक इसके ऊपर, नॉर्थ पोल के पृथ्वी के ठीक इसके ऊपर ध्रुव तारा होती है जिस पे जाकर के ये टकराएगा, तो उसी को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और उसी से पृथ्वी पे दिशा का भी निर्धारण होता है। उसी कारण से पृथ्वी का ये जो पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इससे पुराने जमाने में दिशा का भी ज्ञात होता था। तो आपने इसको भी समझ गए होंगे कि नॉर्थ पोल आखिरकार इसको कहते क्यों है, क्योंकि पोलर स्टार से सीधा इसका संबंध है। साथ ही साथ जो साउथ पोल से जो रेखा जाएगा वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस स्टार। तो साउथ पोल वाला जो है वो क्रॉस स्टार से टकराएगा। साथ ही साथ ये जो इक्वेटर वाला जो है, इक्वेटर जो जो यहाँ से जो बाहर जाएगा वो आकाश में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन से टकराएगा, तो उसको भी वहाँ पे कहेंगे इक्वेटर। तो ऐसे आप समझ गए कि क्या क्या होगा। एक पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो 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 एक लाइट निकलेगा उसको बोलेंगे अक्ष, यानी कि सेलेस्टियल एक्सिस बोलेंगे। जो पोल के तरफ से निकलेगा उसको सेलेस्टियल पोल कहेंगे। नॉर्थ पोल के तरफ से निकलेगा तो नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ से निकलेगा साउथ पोल, और इक्वेटर वाला निकलेगा तो उसको बोलेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर। तो इसको तो आप समझ गए। अब आप समझिए थर्मल क्या, थर्मल इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर में सिर्फ यही है थर्मल इक्वेटर, इसका कोई पोल या कोई एक्सिस नहीं है, यह सिर्फ एक थर्मल इक्वेटर ही होता है। ये क्या होता है, देखिए आपको होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी पर रात दिन भी होता है, साथ ही साथ ऋतुओं में भी बदलाव आता है। आपको पता है कि सूर्य का आभासी स्थानांतरण होते रहता है साल में। आपको पता है कि एक समय बहुत गर्मी लगता है, एक समय बहुत ठंडा लगता है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच ये जो भूमध्य रेखा खींचा हुआ है, ये जो भूमध्य रेखा है इस पे सूरज कभी लंबवत भी चमकता है और कभी तिरछा भी हो जाता है। ये कैसे होता है, ये पृथ्वी देखिए 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण ये सारा खेल हो रहा है। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा हम अभी खींच रहे हैं, इसको इक्वेटर कहेंगे। आपको पता है कि इस पे सूर्य की किरणें साल में दो बार एकदम सीधी चमकती है, एकदम लंबवत, जिसको मार्च का महीना और सितंबर का, यानी कि 21 मार्च में यहाँ पे सूरज की जो किरणें होती है एकदम लंबवत, इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप की मात्रा यहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, और पृथ्वी का झुकाव न नॉर्थ में होता है न साउथ में होता है, एकदम बीच में रहता है, तो उसी को कहते हैं इक्विनोक्स। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ऐसा होता है, इक्विनोक्स का होता है, जब पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, और साथ ही साथ और पृथ्वी पर जो तापमान का वितरण है वो भी समान पाया जाता है।
इसके बीच में, लेकिन 21 मार्च के बाद अप्रैल भी आता है, मई भी आता है और जून भी आता है। जून के महीना में पृथ्वी का झुकाव उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाती है और जिसके कारण कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, तिरछी नहीं पड़ती है बल्कि सीधी पड़ती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। तो जून का महीना होता है, तो कौन सा जून होगा, 21 जून होता है। 21 जून में लंबवत, अब यहाँ से सूरज स्थानांतरित यहाँ हो गया। एक्चुअली सूरज स्थानांतरित नहीं होता है बल्कि आभासीय स्थानांतरण होता है, पृथ्वी ही अपने रोटेट करने के कारण जो है और सूरज के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने के कारण उसका स्थान और वो जो जगह है वो थोड़ा सा चेंज होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जून के महीना के बाद जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, तो फिर ये सितंबर फिर आ गई, सूरज जो है वो भूमध्य रेखा पे, और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आएगा, तो दिसंबर के महीना में सूरज जो है वो मकर रेखा पे आ जाएगा और मकर रेखा पे वो आकर के वो 22 दिसंबर के दिन सीधा इसका प्रकाश पड़ेगा मकर रेखा पे, यानी इंसुलेशन की मात्रा मकर रेखा पे ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद फिर वह दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च भी आएगा तो फिर वह इक्वेटर पे चला गया। यानी कि सूरज का जो है ना आप देखेंगे कि इसी के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूरज सालों भर रहता है। कर्क के ऊपर नहीं जा सकता है, मकर के नीचे नहीं, मकर के ऊपर नहीं जा सकता है, फिर देखिए नीचे ऊपर नहीं है तो नहीं जा सकता है, तो इसी के बीच में रहता है। अब जो 21 और 23 सितंबर होता है, इक्विनोक्स भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ये जो इसको आप मानिए, सूरज जो है जहां पे सीधा चमक रहा है उसको इक्वेटर अगर मान लीजिएगा, तो आप थर्मल जो इक्वेटर है, थर्मल का मतलब होता है उसने वो देख रहे हैं कि उसका स्थान बदल जा रहा है, यानी कि मार्च से लेके जून और दिसंबर, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक उसका स्थान बदल जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं थर्मल इक्वेटर शिफ्टिंग, यानी कि थर्मल इक्वेटर बदलते रहता है। तो पृथ्वी पर थर्मल इक्वेटर भी होता है जो अपना स्थान बदलते रहता है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा इक्वेटर है जो पृथ्वी पर अपना स्थान बदलता है, तो एक ही इक्वेटर है थर्मल जो अपना स्थान बदल लेता है। अब कहेगा कि पृथ्वी कौन से एक्सिस पे रोटेट करती है पश्चिम से पूरब, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे करती है। अब पूछेगा कि बताइए मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होता है, खास करके कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल पे होता है, इसको डिप भी कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैग्नेटिज्म जो पैदा होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म जो पैदा होता है वो कहाँ पे पैदा होता है, तो मैग्नेटिक एक्सिस पे पैदा होता है। निकलता कहाँ से है, तो जियो मैग्नेटिक एक्सिस से निकलता है। कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में जाता है और 80 से 280 किलोमीटर के जहाँ पे क्वालिजन हो जाता है, और वहाँ पे अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस जैसे ज्योति पैदा होता है, और फिर वह लौट करके पृथ्वी पे आता है इक्वेटर के सहारे, फिर वह धरती के अंदर में आ जाता है, उसके बाद फिर वह ध्रुव से निकलते रहता है, ऐसे होते रहता है। साथ ही साथ सेलेस्टियल के बारे में भी बता दिए, बहुत सारे आकाशीय पिंड होता है, उसका भी रेज निकलते हैं और पृथ्वी पे आकर के यहाँ के जीव जंतु और मौसम को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करता है, ये चीज़ है। तो आपने इतना चीज़ को समझ लिया है, अब आप समझिए कि ये जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होने के पीछे का भी कारण हमने अभी आपको बता दिया है। हमने आपको बताया है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो है खिसकने के कारण, ये अभी आपको बताएंगे कि कनाडा में ये था पहले कभी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जो कि खिसक करके पूरब की तरफ हुआ, साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसको भी हमने अभी आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल इसी तरह से ईजी वे में आपको बताएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।